डेनमार्क के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। विदेश मंत्री से मुलाकात के बाद अब से कुछ देर पहले हैदराबाद हाउस में डेनमार्क के पीएम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी औपचारिक मुलाकात। 3 दिन के भारत दौरे पर पहुंची डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन का राष्ट्रपति भवन में जोरदार स्वागत किया गया। राष्ट्रपति भवन में डेनमार्क की पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने बयान जारी कर अपनी यात्रा को भारत और डेनमार्क के रिश्तों के लिए मील का पत्थर बताया। इसके बाद प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिकसेन राजघाट पहुंची और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। फ्रेडरिकसेन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात की। दरअसल भारत और डेनमार्क के मजबूत कारोबारी और निवेश संबंध हैं। भारत में डेनमार्क की 200 से ज्यादा कंपनियां मौजूद हैं, जबकि डेनमार्क में 60 से अधिक भारतीय कंपनियां हैं। गौरतलब है कि मेटे फ्रेडरिकसेन 9 से 11 अक्टूबर तक भारत दौरे पर है। अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक कल मेटे फ्रेडरिकसेन आगरा में ताज का दीदार भी करेंगे। गौरतलब है कि कोरोना काल में बीते 20 महीनों में ये किसी प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा है।